नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्किंग करता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्शन के बारे में। तो मैं बताते चलूँ कि रिकर्शन जो होता है ये भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, लेकिन नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देखेंगे। रिकर्शन, व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड विद इन सेम फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्शन। दोस्तों, जब कोई भी फंक्शन, उसकी फंक्शन की जो डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, उस डेफिनेशन में अगर वही फंक्शन कॉल किया जा रहा है, तो इस टेक्निक को हम लोग रिकर्शन कहते हैं और इसका बहुत ही यूज़ होता है। इट वर्क्स एज अ लूप, ये एक लूप की तरह से काम करता है, बट इट इज़ नॉट अ लूप। तो इस तरह से क्या होता है, जब उसको सेल्फ उसी फंक्शन के डिफिनीशन में कॉल किया जाता है, तो वो एक तरह से लूप क्रिएट कर देता है बार बार सेल्फ को कॉल करके, बट ये लूप नहीं होता है, वर्किंग लूप जैसा करता है। तो देखेंगे हम लोग दोस्तों प्रोग्राम बना के कि ये कैसे काम करता है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेंगे एक बार प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम कैसे है। तो ये इसका प्रोग्राम है। हमने नॉर्मल सा एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। इस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो है आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। एक आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे और एक रिटर्न मिलेगा। पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये हमारा एक फैक्टोरियल काउंट करने का प्रोग्राम है। इसको रन करने पे एक जो भी नंबर हम एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल हमें मिलेगा। यहाँ पे दो नंबर एंटर कराए गए हैं, एक रिसीवर, चूँकि रिटर्न आएगा तो रिटर्न जो आएगा वो हमारा रिसीव होगा बी में, और ए में हमने इनपुट लिया है जिसको हम पास करेंगे, जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने फंक्शन को कॉल किया, और जब फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल की तो ये वैल्यू पास हो के आ गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन में। यहाँ पे ये डेफिनेशन ब्लॉक है आपका, ये डेफिनेशन में आ गया। यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल लिया हमने। दोस्तों क्या होता है कि जैसे यूज़र अगर नंबर एक अगर एंटर कर रहा है, तो एक का जो फैक्टोरियल होता है वो एक ही होता है, इसलिए हमने चेक करा लिया कि कहीं यूज़र ने वन तो रिटर्न नहीं एंटर नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमने चेक किया, अगर वन है तो रिटर्न वन रिटर्न हो जाएगा। अगर वन नहीं है तो ये एल्स सेक्शन में आएगा और वापस से फैक्ट फंक्शन कॉल होगा। जो नंबर आया हमने उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इनटू फिर से हमने फंक्शन को कॉल किया और उस नंबर में से माइनस वन करके कॉल किया। तो दोस्तों इसके पहले आप लोगों को समझना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। मैंने फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम कराया हुआ था, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो दोस्तों जैसे हमारी रोमन वैल्यू होती है, रोमन में अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब हम लोग 10 अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रोमन में 10 लिखा हुआ है। इसी तरह से फैक्टोरियल नंबर्स भी होते हैं, और फैक्टोरियल नंबर को लिखने का जो टेक्निक होता है वो हमारा होता है ये साइन और इसके आगे कोई भी नंबर। तो दोस्तों ये हमारा फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, या दूसरा तरीका है इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो भी ये हमारा फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है। अब अगर फैक्टोरियल 5 की या किसी भी फैक्टोरियल नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर से घटते हुए एक नंबर 1 तक सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है 120। ये हमारा फैक्टोरियल होता है।
तो किसी भी अगर फैक्टोरियल नंबर का हमें रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए नॉर्मल प्रोग्राम बनता है, लेकिन हम लोग रिकर्शन के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये रिकर्शन उसी को बनाने के लिए है, एक फैक्टोरियल नंबर काउंट करने के लिए है। तो आइए अब हम लोग प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ से हम कॉल करते हैं फंक्शन को यहाँ से, तो ये हमारा इसमें आता है फंक्शन की बॉडी में, डेफिनेशन में आने के बाद अगर यूज़र ने चेक होता है, यूज़र ने जब n की वैल्यू, ये n में रिसीव हुआ, जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 रिटर्न कर देगा। सपोज़ यूज़र ने 5 एंटर किया हुआ है, 5, तो n में 5 आ गया, n इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। तो ये else सेक्शन में आएगा, else में आने के बाद क्या होगा, f इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट n माइनस 1। तो n में क्या था, 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट फंक्शन अगेन कॉल किया गया। दोस्तों रिकर्सन का यही मेन मकसद है कि डेफिनेशन में दोबारा से उसको कॉल किया गया है, इसीलिए यह फंक्शन रिकर्शन कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जब कॉल किया हमने दोबारा, तो इसमें 4 पास किया, n माइनस 1 यानी कि 4 पास किया। तो 4 अब नेक्स्ट टाइम वापस ये फंक्शन हमारा रिटर्न होके यहीं से, नीचे नहीं जाएगा, यहीं से वापस हमारा फंक्शन रिटर्न होके फंक्शन की डेफिनेशन में वापस कॉल करेगा फंक्शन को। तो दोस्तों ये प्रोसेस बार बार चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 रिटर्न करेगा और ये एल्स सेक्शन में नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जब 1 रिटर्न होके आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट में बी में 1 रिसीव होना चाहिए। तो ठीक सोच रहे हैं आप लोग, यही होता है, जब 1 रिटर्न होके आएगा तो बी में 1 स्टोर होगा, बट अभी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये नीचे कंटिन्यू करेगा। इसके बाद रिटर्न एफ में जो हमारा कैलकुलेट हुआ है इसको भी रिटर्न करेगा। तो जब ये रिटर्न होके आएगा यहाँ से, एफ की वैल्यू जब यहाँ से रिटर्न होके आएगी बी में, तो जो 1 पहले आ चुका है वो रिप्लेस हो जाएगा और फाइनल जो f की वैल्यू रहेगी ये b में हमारा रिसीव होगा और यही हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 120 ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आइए अब हम लोग एक बार सी टर्बो सी के सॉफ्टवेयर पे इसको बना के देखते हैं। ये हमारा टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है। तो क्या होता है, जब हम लोग कभी भी फंक्शन पे वर्किंग करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, जैसा कि फंक्शन था आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, यानी कि रिटर्न भी मिलना चाहिए। रिटर्न कैसा मिलेगा, इंटीजर टाइप का। फंक्शन का नाम हमने ले लिया फैक्ट और आर्ग्यूमेंट कैसा रहेगा हमारा, दोस्तों आर्ग्यूमेंट रहेगा हमारा इंटीजर टाइप का। ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ आएंगे फंक्शन की बॉडी में, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ए एंड बी। क्लियर स्क्रीन लगा देंगे। दोस्तों ये एक फंक्शन होता है जो हर बार स्क्रीन को क्लियर कर देता है ताकि प्रीवियस रिजल्ट ना दिखाई दे। इसके बाद हमने मैसेज दिया, लेसन लाइन चेंज एंटर नंबर यूजर, कोई भी एक नंबर एंटर करेगा उसको हम इनपुट कर लेंगे स्कैनफ के हेल्प से।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे, b इक्वल्स टू फैक्ट a को हमने एज आर्गुमेंट पास कर दिया। अब जब फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की डेफिनेशन से रिटर्न हो के आएगा, वो वैल्यू हमारी b में स्टोर होगी यहाँ पे। b को हम यहाँ प्रिंट करा देंगे, द फैक्टोरियल इज परसेंट डी कॉमा बी, ये हो गया हमारा गेट सी एच। अब हम लोग यहां आएंगे, वाइट मेन के बाहर फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे, इंट फैक्ट इंट एक्स, इंट एन ले लेते हैं, एक एफ वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे, एफ इक्वल्स टू वन। अब हमने कंडीशन लगाया, इफ एन इक्वल्स टू वन देन रिटर्न वन। एल्स गैप बना लेंगे, एफ इक्वल्स टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, ये चलेगा। इसके बाद हम फाइनली एफ को रिटर्न करा देंगे, दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको रन कराते हैं, ये रन हुआ, एंटर नंबर, हमने नंबर दिया 4, रिजल्ट आ गया 24, ठीक है। नेक्स्ट रन कराते हैं दोबारा, एंटर नंबर, हमने नंबर दिया 5, रिजल्ट आ गया 122, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो रिटर्न वन लिखा है, इसको अगर हम रीड ना करें, इसको एज अ कमेंट कर दें, तो भी हमारा प्रोग्राम सही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट में रिटर्न किया गया है एफ, फाइनली ये तो रिटर्न होता ही है, और हमने एफ में स्टार्टिंग में क्या असाइन कर रखा है, एफ में हमने स्टार्टिंग में वन यहाँ पे असाइन कर रखा है। अब अगर एन को रिटर्न नहीं करते हैं, तो भी अगर यूज़र वन देगा, तो यहाँ से वन रिटर्न हो ही जाएगा। तो इससे कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, इसको अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग इसलिए, इफ़ कंडीशन में हमें वन इसलिए चेक कराना होता है कि जब वैल्यू वन होगी, क्योंकि बार बार यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, n माइनस वन हो रहा है, तो एक कंडीशन आएगा कि ये ज़ीरो हो जाएगा, और जब हम जीरो से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये तब तक रिपीट करना है जब तक कि वैल्यू वन ना हो जाए। जब वैल्यू वन होगी, कंडीशन ट्रू होगा, तो ये एल्स सेक्शन में नहीं जाएगा,
और ये सीधा नीचे आएगा और f को रिटर्न कर देगा। फिर से इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, देखिएगा ये कंट्रोल F9 रन हुआ, नंबर दिया हमने 6, ये आ गया 720। तो दोस्तों ये आपका प्रोग्राम हो गया हमारा रिकर्शन का। इसी तरह से और भी कई सारे फंक्शंस आप लोग रिकर्शन बेस्ड बना सकते हैं। दोस्तों जो चीज़ समझ में ना आई हो उसको स्क्रीन को पॉज करके एक बार दो बार सुने, समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी दी गई है। सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नए वीडियोस आएंगे हमारे उसका एक मैसेज आपको मिलता रहेगा मेल पे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश सीख नहीं पाते हैं। हो सकता है शायद उन लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए, वो लोग आपको थैंक्स बोलेंगे। थैंक यू।